ये है ब्लैक लेबल की और इसका प्राइस है 450 नेपाली रुपए। आज मैंने सोचा है कि आपको जो इंडियन लगभग नेपाल में जो चीज़ें आती है वो इंडिया से ही आती है, तो मैं देख आपको बताता हूँ देख कर कि जो प्राइस है उसमें कितना डिफरेंस है। आज की वीडियो में मैं आपको यही कंपेयर करके बताऊँगा कि जो इंडिया में हम जो चीज़ खरीदते हैं वही चीज़ अगर हम नेपाल में ख़रीदें तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा। अभी मैं इस फ्रूट शॉप पे हूँ, अभी आपको भैया से पूछ कर बताऊँगा कि किस चीज़ का कितना प्राइस है। भैया आप जो केले बेचते हो वो कैसे दर्जन पता है आपको? दर्जन में बेचते हो या किलो में? दर्जन में। और कितने रुपए दर्जन होता है? यहाँ पर 100 रुपये दर्जन। 100 रुपये दर्जन किलो। और ये सभी जो फ्रूट है वो इंडिया से ही आता है? अधिकांश सब इंडिया से आता है। अच्छा, यहाँ का जो नेपाल का जो सीजन रहता है जैसे कभी कभार संतरा होता है, कभी बनाना होता है, कभी एप्पल होता है, इस सीजन अनुसार यहाँ पर निकलता है, लेकिन जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर सब इंडिया से ही आता है। अच्छा, और नहीं जो एप्पल है वो चाइना से भी आता है? सिर्फ चाइना से एप्पल ही आता है। एप्पल आता है और कुछ नहीं आता चाइना से? और इंडिया से भी आता है एप्पल? एप्पल आता है कश्मीर से आता है। अच्छा, तो आप धीरे धीरे सबके प्राइस बता दो मुझे, जैसे एप्पल ये वाला एप्पल है तो इसका क्या प्राइस है, किलो के हिसाब से बताना सबका। ये चाइनीज फूजी सिप एप्पल है, उसका रेट है 300 रुपये किलो। 300 रुपये किलो नेपाली में है ना? नेपाली में। और ये ग्रेप से किलो का 300 रुपया है। हाँ, ये ब्लैक वाला 400 रुपया। 400 रुपये। और ये रेड वाला एप्पल है 200 रुपये किलो। ये 200, ये चाइना से आया है और वो भी चाइना से? वो भी चाइना है। ठीक है। और ये तो इंडिया से आया होगा किनू? तो किनू इंडिया से आता है, ये लोकल ऑरेंज तो अभी यहाँ का। ये यहाँ का है नेपाल का, और ये जो किनू है इंडिया के। और इसका क्या प्राइस है? इसका 120 पर किलो। ओके, पर किलो। और जो ये बॉक्स है, ये जो खजूर का बॉक्स है, इसका कितना प्राइस होगा? इसका 300 रुपया है, इसका 400 रुपया। अच्छा, 300-400। और पाइनएप्पल पर पीस होता होगा जी, और इसका कितना प्राइस होगा? इसका 150। 150। और ये बड़े कोई भी। तो ये जो वाटरमेलन है ये भी इंडिया से आया है? सब इंडिया से। अच्छा, और इसका क्या प्राइस होगा? इसका अभी किलो का यहाँ पर 60 रुपया। 60 रुपये किलो। ठीक है। और ये क्या है? पियर, चाइनीज पियर। अच्छा, चाइनीज पियर। और इसका प्राइस? इसका प्राइस अभी किलो का 300 रुपये। 300 रुपये किलो। और कीवी, कीवी भी आपके पर पीस में होती है? कीवी या किलो में देते हो? नहीं, यहाँ पर कोई अब लोग ऐसा है ना, थोड़ा सा महंगा रहता है तो कोई पर पीस के हिसाब से ले जाते हैं। हाँ, कोई ज़्यादा ले जाते हैं तो किलो के हिसाब से ले जाते हैं। और वैसे क्या पर पीस का क्या प्राइस होगा? इसका छोटा वाला 500 रुपये किलो होता है, बड़ा वाला 600 रुपये। और ये न्यूजीलैंड से आती होगी कीवी? तो आती तो उधर से, इंडिया से। अच्छा, आप इंडिया से लेते हो? इंडिया से। ठीक है, ठीक। ओके भैया, आपके पास आके अच्छा लगा और आपने मेरी वीडियो में आप ये सब बताया, उसके लिए थैंक यू। शॉप में हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छी शॉप है और सभी बोटल्स पे ना प्राइस टैग लिखा हुआ है, तो मैं आपको धीरे धीरे जो इस बोटल्स जिन बोटल के बारे में मैंने सुना है तो उनके प्राइस मैं बताता हूँ। इधर से स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर एक टीचर्स की बोतल है, इस पर ये देखो ये प्राइस लिखा हुआ है 4250। मतलब 4250 मतलब ये नेपाली 4250 है। और इस पे मैं अगर MRP आपको देख के बताता हूँ, MRP शायद पता नहीं इस पे लिखा भी हुआ है या नहीं। हाँ, जो वो 750 ml की बोतल थी और ये 1 लीटर की, 1 लीटर की है 5600 की। ये देखो आपको मैं प्राइस टैग दिखा देता हूँ, 5600 की। अब
सभी बॉटल्स का मुझे पता नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ। जैसे ये बॉटल जो है जिम बीम की भी, एक सेकंड, जिम बीम की ये बोतल है, जिम बीम की बोतल पे लिखा है 4850 नेपाली में। और कौन सी बोतल है, और मैं आपको एक बार पहले शॉप दिखा देता हूँ। ये शॉप है, अब जैसे अगर यहाँ आते हैं, और ये जो भी बोतल है मुझे नहीं पता इसके बारे में। अब इसका प्राइस मैं बताऊँ तो आपको, ये 8880 रुपये की, 8880 की। और यहाँ पर एक गोल्ड लेबल की बोतल भी पड़ी है, गोल्ड लेबल की। ये कितने की है, 750 ml की बोतल है शायद, पता नहीं बाकी मुझे। 8500, हाँ ये 750 ml की बोतल है, 8550 की गोल्ड लेबल की। और अगर एक लीटर की आपने लेनी है तो एक लीटर की है 10650। और यहाँ पर रेड लेबल भी है, रेड लेबल की जो बोतल है 3060 रुपये की। इस पर MRP नहीं लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है बात है, इन्होंने खुद के टैग लगाए हुए हैं। ये डाउनटाउन इस शॉप का नाम है, तो इन्होंने डाउनटाउन के आगे प्राइस लिखा हुआ है, 3060 रुपीज़ की ये बोतल है। ये 500 ml की बोतल है, 750 ml की रेड लेबल की बोतल है, 4650। और यहाँ पर डबल ब्लैक भी है, और डबल ब्लैक आपको पड़ेगी 8750। मुझे पता नहीं प्राइस, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर महंगी है। अगर ब्लैक लेबल आपको मैं बताऊँ, एक लीटर की ब्लैक लेबल की बोतल जो है वो है 7750। अगर आपको एग्जैक्ट प्राइस इंडियन में देखना है तो आप इंडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, जो इंडिया के 100 रुपये हैं वो यहाँ पर 160 रुपये बनते हैं। तो आप चाहें तो कन्वर्ट करके देख सकते हैं। यहाँ पर एब्सोल्यूट वोडका की बोतल पड़ी है एक लीटर की, 5650 रुपये की। यहाँ पर ज़्यादातर बोतल एक लीटर में है, और ये 100 पाइपर की बोतल जो है वो 5250 की एक लीटर की बोतल। जिन जिन बोतल्स के बारे में मैंने सुना है, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। ये बोतल है स्मिर्नोफ की बोतल, और ये 3880 रुपये की है, 3880 रुपये की एक लीटर की बोतल। ये कोई गोरखा स्ट्रोंग नाम से कोई बियर है नेपाल की, 140 नेपाली रुपये की। ये तो काफ़ी सस्ती लगी मुझे, 140 नेपाली रुपये की। और यहाँ पर कार्लसबर्ग भी है, सिंगलटन, काफ़ी बोटल्स हैं। अब आप प्राइस तो आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, बाकी मुझे इतना नहीं पता है। और छोटे ब्रांड भी पड़े हैं यहाँ पर इंडिया में, जो रॉयल स्टैग के आप पोस्टर हर जगह देखते हो, उस बोटल का प्राइस बताता हूँ मैं, 750 ml, इस पर भी प्राइस नहीं लिखा है। और ये बोटल मुझे पता नहीं कौन सी है, ये बोटल आप देख सकते हैं, ये पता नहीं मुझे कौन सी है। और इसका प्राइस है 5780 नेपाली में आप। और मैं कोल्ड ड्रिंक का और बता देता हूँ, कोल्ड ड्रिंक की कोका कोला की बोतल 70 नेपाली रुपए की है, और कितने ml है ये, 500 ml, 70 नेपाली रुपए की। कोल्ड ड्रिंक तो यार 70 पता नहीं है कितने की है, मैं कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं हूँ ना, तो कोल्ड ड्रिंक का प्राइस भी मुझे पता नहीं है। यहाँ पर ये छोटी बोतल भी मुझे मिली है, इसका प्राइस है 350, ये रेड लेबल की बोतल है। और एक ये है ब्लैक लेबल की, और इसका प्राइस है 450 नेपाली रुपए। ठीक है, आप आइडिया लगा ले नेपाल में सस्ती है या महंगी है। मैंने आपको, मेरा काम था आपको दिखाना, वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब आइडिया आपको लगाना है कि नेपाल में जो ड्रिंक्स है वो महंगी है या इंडिया में महंगी है।
एक स्टोर में आ गया हूँ। इस स्टोर में आपको मैं दिखाता हूँ जो हाउस होल्ड चीज़ें होती है, जो घर के लिए ज़रूरत होती है, जैसे कि सेम जो इंडिया में उसी का प्राइस दिखाऊंगा, क्योंकि बाकी का तो दिखाने का फ़ायदा नहीं है। ओके, और इंडियन 148। ओके ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, इस पे ना इंडियन तो लिखा हुआ है 148, और अगर नेपाली रुपए देने हैं तो 210। लगभग 99.9% जो सामान है यहाँ के स्टोर में इंडिया से आता है। इधर देखते हैं कुछ है तो। अब जैसे ये लेज चिप्स का पैकेट है, छोटा है ये, बड़ा नहीं है। इसका प्राइस है यार, प्राइस 45। हाँ, 45 नेपाली। और आप देख लो, अगर ये इंडिया में शायद 20 रुपए का होगा और यहाँ पर है 45, तो कितना डिफरेंस है, मतलब कि महंगा हुआ। एवरेस्ट के मसाले भी दिखा देता हूँ आपको। ये सांभर मसाला नहीं, इसमें कोई और दिखाता हूँ आपको। सांभर मसाला नहीं, करी पाउडर, पाव भाजी मसाला दिखाता हूँ आपको। ये पाव भाजी मसाला है, इस पर 135 रुपये लिखा हुआ है। इनका खुद का टैग लगा हुआ है। अगर इंडिया, अब मुझे ये पता नहीं अभी ये इंडियन है या नहीं, बात पता नहीं, इस पर MRP नहीं लिखा हुआ। एक सेकेंड, सॉरी, MRP नहीं लिखा हुआ इस पे। और इस पे वैसे प्राइस है 135 का है ये, अब पता नहीं इंडियन है या नेपाली है। इधर सभी दाल वगैरह पड़ी है, लेकिन ये मुझे पता नहीं। ये देखो, ये सौंफ का पैकेट है एक, और इसका प्राइस 133 रुपये नेपाली। अब पता नहीं इंडिया में इतनी महंगी तो नहीं होगी। और यहाँ जीरा भी पड़ा, जीरे का जो प्राइस है, जीरे का प्राइस यार यहाँ ढंग से प्राइस लिखे नहीं हुए, सही बताऊँगा 101 रुपये। अब ये MRP लिखा हुआ, अब ये नहीं पता नेपाली है या इंडियन है। ये पानी की बोतल है रसवा, ये शायद नेपाल की है, नेपाली है। इसका प्राइस यार, हाँ इसका प्राइस है 70, MRP लिखा हुआ है 70, मतलब 70 नेपाली रुपए की है ये। अब यहाँ पर मैंने पहले फ्रूट के रेट्स तो आपको दिखा दिए थे, अब ये देखा, ये वेजिटेबल है, ये वेजिटेबल। अब इसमें देखो, दो शिमला मिर्च है और ये 25 रुपए की, अगर आपको दिख रहा है तो 25 रुपए नेपाली होगा पक्का। नहीं, अलग अलग लिखा हुआ है यार, इसमें 25, ये सही। अच्छा, ये वेट का फ़र्क होगा, ये यहाँ ये 230 ग्राम है, ये 210 है, ये 27 होगी, ये 25 की होगी। और इसमें ये टमाटर शायद नेपाल के ही हैं, तो ये 34 रुपये का ये पैकेट है, 1 किलो का पैकेट। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये किन्नु है, अब 1 किलो किन्नु 81 रुपीज़ के। वैसे ये होते हैं, नहीं नहीं 1 किलो नहीं है, 810 ग्राम है, 100 रुपये किलो है। वहाँ पर भी वो भैया किन्नु 100 रुपये किलो ही बता रहे थे। बाकी अभी दिखाता हूँ, ये जो सफोला और फॉर्चून का ऑयल आता है, इसका बाय वन गेट वन फ्री नहीं। फॉर्चून का ये जो ऑयल है, इस पर प्राइस मैं देखने दो, इस पर प्राइस लिखी हुई है, ये 1095 रुपये का, ये जो है, ये जो 1495 रुपये का, मतलब 1500 रुपये का एक 5 लीटर होगा शायद। हाँ, 5 लीटर ही है। चलो, वैसे जो एक ब्रश है वो 50 रुपये का है, और अगर 6 लेते तो एक फ्री मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन इंडिया से तो महंगा है। जैसे अगर ये क्लीन एंड क्लियर ये अगर कोई यूज़ करता है, तो मैं आपको बता दूँ, ये है 100 ml का, और इस पे MRP लिखा है 145।
अब पता नहीं, मैं तो यूज़ करता नहीं, तो आपको शायद पता होगा। फेयर एंड हैंडसम क्रीम यूज़ करते हो तो ये है, यह है 104 रुपए की, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो 104 रुपए की नेपाली। और आपको मैं ये चॉकलेट्स के रेट बताता हूँ आपको। और देखो ये जो नॉर्मल किटकैट हम हमारे होती है, इसका प्राइस 25 रुपए लिखा है, ये शायद इंडियन में है, क्योंकि 25 की तो शायद ये इंडिया में मिलती होगी, तो यहाँ 25 की नहीं मिल सकती। हाँ देखो ये जो किटकैट है ये 105 रुपए की, ये नेपाली में प्राइस है 105। मंच, ये जो मंच नट्स है ये 38 रुपए की लिखी हुई है, इंडिया में शायद 10 रुपए की है, शायद पता नहीं मुझे बाकी, या 20 की हो सकती है, क्योंकि अगर 20 के हिसाब से 36 रुपए होगी और 2 रुपए एक्स्ट्रा, ठीक है, हाँ 20 की होती होगी, इंडिया में 2 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं इंडिया से। बाकी कोई खास चॉकलेट्स रखी नहीं हुई हैं, इधर दिखाता हूँ आपको मैं कोई, हाँ इक्लेयर्स, इक्लेयर्स कॉफी का पैकेट है ये, 230 रुपए का है, और कितना ग्राम है, 402 ग्राम, और 230 नेपाली रुपए, शायद इंडिया में 150 रुपए का होगा, इससे महंगा तो शायद ही मिले मेरे को, बाकी पता नहीं है। अगर ये डार्क फैंटेसी जो बिस्कुट तो आपने खाया ही होगा, इसका प्राइस तो सबको पता होगा शायद, इस पे लिखा है 75 रुपये, 75 इंडिया में तो नहीं है पक्का, इंडिया में 30 या 35 रुपये मिलेंगे, 75 रुपये लिखा है, अगर आपको दिख रहा है 75 रुपये इस बिस्कुट का। यहाँ मॉल के ऊपर ये एक छोटा सा फुटबॉल का ग्राउंड बना हुआ है, जैसे इंडिया में हर जगह आपको क्रिकेट खेलने को मिलेगा ना, नेपाल में ज़्यादातर लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ पर मेरे पीछे ये फुटबॉल का ग्राउंड बना हुआ है, शायद ये पैसे दे के, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं ना मॉल में, वैसे ही पैसे दे के आप फुटबॉल खेल सकते हैं। ये देखो यहाँ से व्यू देखो आप, मैं मॉल के लगभग 4th या 5th फ्लोर पे हूँ। ये देखो यहाँ और भी है, जैसे हर मॉल में होता है ऊपर बच्चों के खेलने के लिए, जैसे वैसे ही यहाँ पर भी है यार, यहाँ पर ये फूड कोर्ट भी है छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं फूड कोर्ट, और यहाँ पर मेरे को ज़्यादा ये देखने को नहीं मिला, जैसे इंडिया में आप कहीं भी मॉल में चले जाओ, मैकडी, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट और सबवे वगैरह सब आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने अभी तक ना कोई मैकडी देखा, ना कोई सबवे, ना कोई कुछ। यहाँ के लोग मुझे लगता है ड्रिंक, दारू ज़्यादा पीते हैं, तभी आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी आपको लगभग हर जगह ड्रिंक्स तो देखने को मिल ही जाएगी। यहाँ एक ये तो फ्लोर है, देख लेते हैं यहाँ, यहाँ से दिखा दूंगा आपको, ये देखो ये ओपन एरिया बना हुआ है यहाँ पर। अब चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं, आज सारी चीज़ों के आपको मैंने प्राइस दिखा दिए, और यहाँ पोखरा का मॉल भी दिखा दिया, और अब मैं मुक्तिनाथ के लिए निकलूँगा, मुक्तिनाथ की बस का मैंने पता कर लिया था, और पहले शायद मैं जुमसुम जाऊँगा, जुमसुम के बाद मुक्तिनाथ जाऊँगा, अभी शाम के 5 बज चुके हैं, मुझे यहाँ से जाने में 1 घंटा लग जाएगा, मुझे जीरो चौक जाना है जिस पे मैं रात को गया था, उसी चौक से बस मिलेगी। अच्छा है यार, अच्छा है, मतलब नेपाल में आके अच्छा लगा, लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, देखो आपने देखा ही है कि मैं वहाँ लिक्विड शॉप में भी वीडियो बना रहा हूँ, और जो फ्रूट वाले भैया से भी मैंने प्राइस पूछे, तो यहाँ कोई किसी चीज़ के लिए रोकता नहीं है, मतलब अच्छी जगह है। और जो अभी गार्ड मुझे रोक रहे थे ना कि वीडियो मत बनाओ, वो भी बाद में मुझसे बात करने लग गए, कहते कि यार मैंने इंडिया में जॉब की इतने टाइम, और जो पीएफ होता है ना, पीएफ जो जमा करती है गवर्नमेंट,
वो कहते मेरा फंस गया है कैसे मिलेगा। मैं कह यार अभी इस चीज़ का तो मुझे आइडिया नहीं है, शायद आपको कोर्ट में केस करना पड़ेगा तभी मिल पाएगा। वो कहते नहीं यार मेरा पैसा खा गए इंडिया इंडिया गवर्नमेंट। मैं क्या पैसा खा क्या गए, आपकी कोई गलती होगी, पैसा खा गए क्या, पीएफ कभी कोई खा थोड़ी सकता है, वो तो आपके अकाउंट में जमा है। तो बोलते ऐसा नहीं है, मुझे पता नहीं है इतना। मैं क्या आप किसी की सलाह लो ना फिर आपको अगर पता नहीं है तो। और यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे मिले मुझे कहते हैं कि इंडिया में हमने जॉब की है, और वो मुझसे पूछने लग गए कि अब मुझे इंडिया में, उन्होंने पूछा कि गार्ड के कितनी पे मिलती है गार्ड की, शायद 8 से 10 हज़ार मिलती होगी गार्ड की पे शायद, मुझे पक्का कंफर्म नहीं था तो इसीलिए मैंने उन्हें 10 हज़ार बोल दिया। तो वो कहते यहाँ पर ज़्यादा है कि मुझे 22 से 23 हज़ार मिलता है नेपाल का। तो मतलब अगर इंडिया का 10 हज़ार 16 हज़ार ही हुआ तो इसका मतलब यहाँ पर गार्ड की पे ज़्यादा है। हो सकता है कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है इसीलिए इंडिया में पे कम हो, लेकिन अब पता नहीं। यहाँ पे बता रहे हैं कि गार्ड की पे 22 हज़ार है, और इंडिया में मुझे लगता है शायद यार एक गार्ड की पे तो इतनी होगी 6 से 8 से 10 हज़ार। बाकी आप कमेंट करके बताना मुझे आज की वीडियो कैसी लगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब मिलेंगे आपको सीधा जुमसुम।